हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने और दोपहर की 1:15 बज रही है। जागृति बाजार गई हुई है तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमकीन बना लेते हैं, थोड़े ही बनाने हैं भोग के और थोड़े शगुन के बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये आधा किलो का पैकेट है मैदे का, मैदे के नमकीन बना रही हूँ, अजवाइन मोयन और नमक डाल के, जो आप सब लोग बनाते हैं। और चाय रखी है मैंने, चाय कल का दूध बचा हुआ था, मैंने कहा इसकी चाय चढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे आ रही है नींद। तो आधा किलो मैदा है, इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, अजवाइन डाल दूंगी थोड़ा सा हाथ से क्रश करके, और थोड़े से मतलब तेल का मोयन डाल दूंगी। तेल का मोयन जैसे डालते हैं हम लोग कि भाई मुट्ठी बन जाए इतना डाल देते हैं, और फिर इसको थोड़ा सा कड़क सा आटा गूंद लूँगी पानी डाल के। तो बस ऐसे ही आप लोग बनाते होंगे और आपने क्या क्या बनाया ज़रूर बताइएगा। मैं तो थोड़े से मटर बना रही हूँ, थोड़े से काजू बना दूँगी, अंदाज से डाल रही हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो अंदाज से तेल डाल रही हूँ इसमें। और देखिए अभी पूरा हो जाएगा, ये अच्छा सा मोयन इसमें डल जाएगा, मुट्ठी बनने लगेगी। तो ये देखिए मुट्ठी बन चुकी है और अब मैं इसमें पानी डाल के इसको गूंद के और 10 मिनट के लिए रख दूंगी। इसको रखने से क्या होता है कि थोड़ा सेट हो जाता है आटा। तो ये मैदा बस गूंद के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, और उस बीच में मैं चाय पी लूँगी क्योंकि मेरी चाय बन चुकी है और ठंडी हो जाएगी, इसलिए चाय पी लूँगी। और फिर इसको बना के फिर मैं आपसे बात करूँगी। कल बहुत अच्छा कमेंट आया था, जो मेरी नंद है उनका कमेंट आया था, उस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। नमक अजवाइन मोयन डाल के गूंथ लिया है, थोड़ा ये रेस्ट करेगा आटा, इतने में मैं चाय पी लूँगी। तो चाय पीते हैं कमरे में जाके। चाय मैं हमेशा उस पलंग में बैठ के पीती हूँ, यही मेरी एक जगह बनी हुई है और गद्दा भी इससे दब गया है मेरे बैठने से। मेरा दोता मेरे से बहुत मजाक करता है, बोलता है नानी गद्दा दब गया आपके बाहर से। तो बस मैं यहीं बैठ के चाय भी पी लेती हूँ, और मेरे कई काम होते हैं मैं यहीं बैठ के करती हूँ, ज़मीन में बैठ के मुझसे अब काम होते नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के ही खाना भी खाती हूँ, भाई अखबार लगा लेती हूँ, खाना भी यहीं पे खा लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ, और मेरे कोई काम है तो भी मेरी एक एक जगह बनी हुई है। और मुझे सब देव भी देते हैं यहाँ पे जगह, जैसे कोई बैठा हुआ होता है तो जब मैं आती हूँ कमरे में तो मेरे को सब कह देते हैं लो मम्मी आपकी जगह बैठ जाओ। तो मेरी एक ही जगह है, तो अपनी अपनी एक जगह बनी हुई होती है, आपकी भी बनी हुई होगी इसी तरह की जगह, ज़रूर बताना सही कह रही हूँ क्या मैं। तो चाय ठंडी हो गई थी और मैंने चाय पी के हाथ धो लिए। तो बस बेल रही हूँ मैं और मटर बनाऊंगी, और ये तो फटाफट बन जाते हैं, आधा किलो के हैं तो बहुत जल्दी बन गए थे मेरे। कल की वीडियो है ये, इसलिए बता रही हूँ कि कल ये बहुत जल्दी मेरे से बन गए थे, और मैंने साथ के साथ इनको तल भी लिए थे, थोड़े से मटर बना लिए और थोड़े काजू बना लिए थे। पहले लंबे काट लिए और फिर थोड़े से आड़े काट दिए, और फटाफट इनको मैंने तल लिए थे तो जल्दी ही बन गए। और फिर अब मैं सोच रही हूँ कि इनको बना के आपसे फटाफट बातें करूँगी, इसलिए मैं फटाफट बना रही हूँ, नहीं तो कई बार सुखा देती थी। और एक ही ढक्कन से काजू बना लिए थे मैंने, और ये भी फटाफट बन जाते हैं, ढक्कन से काट लो, कोई भी बोतल का आपके पास ढक्कन हो छोटा उससे ही कट जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। डबल रोटी मतलब बना के मैंने इसको बेल लिए थे, एक के ऊपर एक रोटी रख के, और ये देखिए मेरे बन गए फटाफट, मैंने बना लिए, थोड़े से मैंने भोग के निकाल दिए, मतलब भगवान के भोग के, लक्ष्मी जी को भोग लगा दूंगी, और थोड़े मैंने अपने मतलब पूर्वजों के लिए उसकी डब्बी भर के रख दी ऊपर, बाकी ये बच्चे खा लेंगे बाद में। अब मैं थक गई, एक बार मैं लेटूंगी, सिर चढ़ जाता है मेरा, तेल गर्म तेल होता है ना कढ़ाई का, उसके धुएँ से तेल से सिर चढ़ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपने देखा कि मैंने थोड़ी सी नमकीन बनाई आज, क्योंकि थोड़ा सा भोग लक्ष्मी जी को चढ़ाना था, और जो हमारे मतलब पूर्वज हैं उनके लिए भी बनाना पड़ता है, उनको प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, तो जो पितर होते हैं हमारे
थी उनको, इसलिए थोड़ा बहुत बनाया। बाकी इस बार मेरी कोई इच्छा नहीं थी बनाने की, लेकिन उन्हीं के लिए बनाया, पहले लक्ष्मी जी के लिए और फिर उनके लिए, और थोड़े से बनाए अभी और बनाने हैं। अभी जागृति और शिप्रा को तो बाजार के काम लगे हुए हैं और मेरी तो तबीयत आप जानते हैं कैसे रहती है, तो थोड़े थोड़े बना लूंगी। और अभी भी वो बाजार गए हुए हैं, शाम हो गई है तो मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने सोचा पहले वीडियो को पूरा कर देती हूँ। तो एक कमेंट चित्रा जी का आया, जो चित्रा जी जो मेरी नंद लगती हैं रिश्ते में, और जो हमारे जो ससुर जी थे उनकी भुआ की पोती हैं। तो जो चित्रा जी आपने जो कमेंट किया कि भाई साहब यानी मास्टर जी आपके सपने में आए और उन्होंने वो शिप्रा और शिप्रा के पति का स्वागत करते हुए दिखे, जिसमें आप भी दिखे उन्हें सपने में कि आप भी खड़ी हैं, आप हमारे घर आ गई, तो बहुत अच्छा लगा। आज आपके जो सपना था उससे मेरी मतलब मेरे मन को बहुत शांति मिली। जो आपका सपना आपने बताया कि आपको ये सपना आया, तो उससे मेरे मन को बहुत शांति मिली और मैं आराम की नींद फिर सोई दोपहर को, क्या अभी शाम को उठी हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मास्टर जी की आत्मा खुश है और वो कहीं जाके अपने ही घर में सपने में आएगा आपको। तो जो आपकी दादी जी थी वो तो हमारे घर बहुत आया करती थी और मेरे हाथ की चाय पी कर जाती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो काफ़ी देर हमारे घर में बैठी रहती थी, दोपहर में आ जाती थी और फिर 4 बजे की चाय पीकर जाती थी कि बहू चाय बनाएगी तभी मैं चाय पीकर जाऊंगी। तो आप लोगों से तो हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा हमेशा, और मास्टर जी आपकी बातें किया करते थे, हमेशा ही करते थे, और जब भी आप लोग सब मिलती तो उनकी जो मतलब मजाक के पुलिंदे चलते ही रहते थे और अच्छा लगता था सब कुछ सुन के, क्योंकि जो आपकी बड़ी दीदियाँ वगैरह हैं वो भी मास्टर जी से काफ़ी मजाक करती थी और मास्टर जी भी काफ़ी मजाक करते रहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था उन दिनों में। एक कमेंट और आपने किया कि मैं बेटे की माँ हूँ, आपने ये कहा कि आप बेटे की माँ हैं, आप हर कलर पहने, तो ये कमेंट भी आपका बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मेरी इतनी चिंता की। और 2-3 कमेंट भी आए कि नहीं आंटी जी आप हर रंग पहनिए, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बस बात यहीं आके रुकती है कि मेरा मन क्या कहता है, तो मेरा मन अभी तक ये चीज मानने को तैयार नहीं हुआ। ये चाहे मेरे रूढ़िवादी विचार कहिए या कुछ भी कहिए कि जब एक औरत का पति चला जाता है तो रंगीनियां चली जाती हैं उसके जीवन से, मेरा मन ये कहता है। आप लोगों के बहुत अच्छे हैं विचार, ऊंचे हैं और होने भी चाहिए आजकल के हिसाब से, तो लेकिन मेरा मन अभी तक माना नहीं है इन चीजों। तो अभी मैं शिप्रा की शादी में भी कोई रंगीन साड़ी लेकर नहीं आई हूँ और बच्चों के कहने से ही साड़ी लाई हूँ। बाकी साड़ी तो ऐसी कई रंगों की थी जो मैं पहन सकती थी, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं आपको साड़ी खरीदनी पड़ेगी, मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था। तो जिस दिन मेरा मन मान जाएगा उस दिन मैं जरूर पहनूंगी, आपकी बात जरूर मानूंगी। जिस दिन मेरा मन कह जाएगा कि आज मैं इस कलर की साड़ी पहन लूं, उस दिन मैं जरूर पहनूंगी और पहन के आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि मैंने ये साड़ी आपके कहने से पहन ली है। थोड़ा सा मेरा मन बैठ गया ना तो फिर मैं जरूर पहनूंगी। तो आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा, बाकी सबके भी कमेंट अच्छे लगे, और भी कमेंट आए कि आप साड़ी हर कलर की पहनिए। और उससे पहले भी आए थे एक दो बार ये कमेंट कि मुझे सबने कहा कि आप हर कलर की साड़ियां पहने, और इंस्टाग्राम में भी मुझे बहुत से कमेंट आते हैं क्योंकि वहाँ भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं मेरे, और मेरे को चाहने वाली बहुत ऐसी लेडी मिली मुझे जो मुझे मैसेज करती हैं और कहती हैं कि आप बिल्कुल दुखी ना रहें, मास्टर जी आपके साथ हैं और आप सब कलर पहने और हमेशा हंसती रहें। तो उनके कमेंट भी मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही कमेंट करती हैं कि आप हंसती हुई अच्छी लगती हैं और आप कलर पहनिए। तो बस यही कहना चाहूंगी, जिस दिन मेरा मन कह देगा कुछ पहनने को उस दिन मैं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी, आपकी बात जरूर मानूंगी। और अभी के जो आज के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, मुझे खाना बनाना है, टाइम हो रहा है 7:45 तक का, बच्चे आने वाली हैं
मतलब बहू बेटी दोनों ही गई है बाजार, तो वो वही बातें कि थकी मारी आएंगी, तो खाना मैं सोचूं के बना देती हूँ, और भी छोटे मोटे कई काम है मेरे तो वो कर लेती हूँ। तो इससे पहले मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग हैं वो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगले जो मतलब शिप्रा की शादी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि मैं थोड़ा सा अलग ढंग की वीडियो भी बनाऊं, कुछ मेहनत करके दिखाऊं, कुछ आपको दिखाऊं, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा। अगर हो सका मुझसे तो मैं जरूर बनाऊंगी और तरह की वीडियो। अभी मैं छोटी छोटी क्लिप बना देती हूँ और फिर आपसे बात करने बैठ जाती हूँ। तो कई लोगों को मेरी बातें भी अच्छी लग रही हैं, तो उनके भी कमेंट आते हैं कि आप बातें करने भी बैठ जाएंगी तो भी हम तो आपको देख लेंगे। तो आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।